दोस्तों आज कुछ खास लेकर आया हूं आपके लिए। सिर्फ 5 मिनट रोजाना करोगे और आपको उस लेवल का एनर्जी मिलेगी आप सोच नहीं सकते। आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता जितनी है उससे कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है, काफी सारे लोगों को पर्सनल लेवल पे जो लोग मेरे से मिलते हैं उनको बताया हूं और लोग करते हैं, सबको फायदा होता है। हमारी जो हाथ है ना, कई बार हमारी आदत है हम लोग ऐसे भी मुट्ठी मुट्ठी करते हैं, मगर हमें ये पता नहीं है कि ये मुट्ठी जब बंद होती है और खुलती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है। ये मुट्ठी जब बंद होती है और खुलती है तो किस लेवल का चेंजेस हमारे शरीर में होता है, किस तरह का केमिकल रिएक्शन हमारे अंदर होते हैं, कौन से हॉर्मोन्स हमारी अच्छी सिक्रेशन होती है और कौन सा बुरा चीज हमारा कम हो जाता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो। एक साधारण सी बात है, हम लोग ऐसे ही बैठ के भी, कई लोगों की आदत है ऐसे मुट्ठी मुट्ठी करते रहते हैं, कभी हाथ अकड़ने के जैसे लगता है, कभी कुछ लगता है, हम लोग ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है ये, जब आप मुट्ठी बंद करते हो ना, तो खास करके राइट मुट्ठी जब आप बंद करते हो इस तरीके से, तो इसमें आप देख लो पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को। ये इंडेक्स फिंगर जहां टच होती है उसको एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है, जो खास करके हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मिडिल फिंगर जो जहां हमारी टच होती है, राइट हैंड की बात ही बता रहा हूं, तो वो सीधे किडनी के रिफ्लेक्शन एरिया को टच करता है। रिंग फिंगर हमारी जहां टच होती है वो सीधे पैनक्रियाज के रिफ्लेक्शन एरिया को टच होता है, उसका जहां नर्व एंड है उसको टच करता है। एंड लिटिल फिंगर जहां टच होती है वो आपका लीवर कहलाता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो राइट में है आपका लीवर, लेफ्ट में है आपका हार्ट। लेफ्ट का लिटिल फिंगर जहां पर टच होती है दैट इज कॉल्ड द हार्ट। यानी अगर हमने इस तरीके से मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं तो हमारा इंडेक्स फिंगर टच कर गया आपका एड्रेनल ग्लैंड, मिडिल फिंगर जहां टच हो गया वो आपका किडनी हो गया, और रिंग फिंगर जहां टच हो गई वो आपकी पैनक्रियाज हो गया, और लिटिल फिंगर जहां टच हो गई वो आपका लीवर हो गया। इधर उसी तरीके से ये एड्रेनल ग्लैंड यानी बीपी पॉइंट हो गया, इधर आपका किडनी पॉइंट हो गया, ये आपका पैनक्रियाज यानी डायबिटीज के लिए हो गया, और ये आपका लिटिल फिंगर जहां टच हो हार्ट का हो गया। अब सवाल ये है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें थेराप्यूटिकली अपने लिए। सिर्फ 5 मिनट, आप किसी भी जगह पे बैठ लीजिए, चाहे चेयर में हो, बेड पे हो, या फिर आसन डाल के नीचे बैठ लें, जहां आप कंफर्टेबल हो, जिस हालत में भी आप हो, दिन में 1 या 2 बार 5-5 मिनट्स। मुट्ठी बंद करना है सांस लेते हुए और टाइट करके रखना है 1-2 सेकंड, फिर इसको खोलना है, फिर से ऐसे मुट्ठी बंद करनी है और फिर इसको खोलनी है। थोड़ा टाइट करके दबाइए जिससे कि वो जो पॉइंट है वो स्टिमुलेट हो सके, पॉइंट जो है वो थोड़ा दबे, फिर 1-2 सेकंड रोकनी है और इसको खोलनी है। इस तरीके से मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी, यानी आपके मुट्ठी के अंदर आपका अच्छा स्वास्थ्य छुपा हुआ है, बस दबाओगे वो निकल आएगा। आपकी एनर्जी आपके मुट्ठी में बंद है, आपका बीमारी को दूर करने की क्षमता मुट्ठी के अंदर बंद है, बस टाइट करें और फिर वो खुल के बाहर आएगा। आपकी ब्यूटी आपके मुट्ठी के अंदर है, टाइट करिए, 2 सेकंड रोकिए, फिर इसको खोलिए। यानी जैसे खोलोगे आपके अंदर खुद को फील होगा कि एनर्जी बढ़िया जबरदस्त आ रहा है। मैं थोड़ा इसको योगा और एक्यूप्रेशर का दोनों को मिला के तैयार किया हूं कि आप जब भी मुट्ठी बंद करते हो, एक्स्ट्रा एक वार्क उसमें जोड़ा गया है कि आप सांस जरूर लो और जब मुट्ठी खोलते हो तो सांस बाहर निकालो इस तरीके से। यानी सांस लिए, मुट्ठी बंद किए, सांस छोड़े, मुट्ठी खोल दिए। दोस्तों 5 मिनट आप इस तरीके से करना है और आप देखोगे डे बाय डे आपके अंदर चेंजेस आते जाएगा।
जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, जिसको आपका डायबिटीज है, जिसको लीवर में प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये पूरा रामबाण है। जिनको नहीं है उनको जिंदगी भर बीमारी कभी होगा नहीं। अगर आपका हार्ट, लीवर और आपका किडनी, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज ये सब बढ़िया रहा तो आप और क्या चाहिए जीवन में। तो बहुत ही छोटा बात थी मगर इसकी रिजल्ट जो है बहुत जबरदस्त है। उम्मीद करता हूं आप इसको अमल में लाओगे, डेली रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, इसका फायदा आपको जरूर होगा और इस बात को गांड बना लीजिए, फायदा होना तय है। थैंक यू वेरी मच।